Example 4. Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5. तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया है एक्स वाई पॉइंट, इसका डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से इक्वल है, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो इस पॉइंट का सपोज इस पॉइंट को हम पी लेते हैं पी एक्स वाई, और ये बाकी दो पॉइंट को लिया है ए और बी, तो इसका डिस्टेंस ए पी और पी बी दोनों इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। लेट पी एक्स वाई बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए 7, 1 एंड बी 3, 5, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि इक्वी डिस्टेंस है, यानी वी आर गिवन दैट ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल है दोनों का, मतलब कि उसका डिस्टेंस का स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस का स्क्वायर होगा एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट ए और पी के लिए और बी और पी, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वेट किया है, तो पॉइंट है ए के लिए एक्स माइनस सेवन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर, बी पी डिस्टेंस के लिए एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव स्क्वायर। फिर उसका यहाँ पे एक्सपेंशन किया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला से एक्स माइनस सेवन स्क्वायर का एक्सपेंशन किया है तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस 49, वाई माइनस वन स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, वाई माइनस फाइव स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस 25। यही फॉर्मूला है, उसमें ए और बी की वैल्यू पुट करके एक्सपेंशन किया है। अब इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक, तो इसको फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यानी एक लाइन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू। इसको ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हम वाई की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, वाई की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू टू आती है, यानी कि एक पॉइंट आएगा टू जीरो, और दूसरे केस में हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस टू, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट मिल गए, दो दो पॉइंट में से एक लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये जो रिलेशन पूछा था एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन, तो ये रिलेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू। इसका रिमार्क दिया हुआ, नॉट दैट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू इज अ लाइन, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइन है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दो पॉइंट दिए हुए ए 7, 1 और बी 3, 5। फ्रॉम योर अर्लियर स्टडीज यू नो दैट अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए बी, यानी इस परपेंडिकुलर बायसेक्टर, यानी कि इसके मिड पॉइंट में से जो परपेंडिकुलर लाइन है वही, तो ये मिड पॉइंट है ए बी का, इसमें से जो लाइन जा रही है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो उसके कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पॉइंट से इक्वल होगा, ठीक। देयरफॉर द ग्राफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इज द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए बी, तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, बायसेक्टर यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है।